लॉरेंस बिश्नोई, जिसका नाम जुर्म की दुनिया में हर कोई जानता है, ये वही गैंगस्टर है जिसने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को जान से मारने तक की धमकी दे डाली थी। हमेशा से यह नाम किसी न किसी जुर्म में हमें सुनने को मिल ही जाता है, लेकिन लॉरेंस की गैंग के सदस्य की दिन दहाड़े हत्या होना किसी नई गैंग की शुरुआत तो नहीं? पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। यह घटना कोई आम घटना नहीं थी। नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े एक के बाद एक 15 गोलियां दाग कर उसकी हत्या कर दी। नमस्कार, मैं हूं अनुपम लाड़, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्राइम सीन। पंजाब के मोहाली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य और अकाली दल के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना मोहाली के सेक्टर 71 की पार्किंग में उस वक्त हुई जब अकाली नेता विक्की मीडू खेड़ा अपनी कार में सवार होने जा रहे थे। इस दौरान घात लगाकर चार हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। इस दौरान दो हमलावरों ने कार में बैठने के बाद उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिससे बचने के लिए विक्की भागने लगे। करीब 500 मीटर तक भागने के बाद वह एक पार्क की दीवार पर चढ़कर भागने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इस घटना में विक्की की मौके पर ही मौत हो गई। विक्की मिट्ठू खेड़ा अकाली नेता अजय मिट्ठू खेड़ा का छोटा भाई था। अजय मिट्ठू खेड़ा ने हाल ही में नगर निगम चुनाव में पूर्व मेयर कुलवंत के लड़के के खिलाफ चुनाव लड़ा था। बताया जा रहा है कि विक्की सुबह प्रॉपर्टी डीलर के पास आया था, जहां पहले से घात लगाकर बैठे हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। हालांकि विक्की बचने के लिए आधा किलोमीटर तक दौड़ा, लेकिन हमलावर उसके पीछे भागते रहे और कम्युनिटी सेंटर 71 के गेट के बाहर उसकी हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार जांच में पता चला कि विक्की अपनी फॉर्चुनर गाड़ी में आया था और उसके खुद के पास भी अपनी लाइसेंसी पिस्टल थी, लेकिन हमलावरों ने उसे पिस्टल उठाने का मौका तक नहीं दिया। इस पूरी घटना के बाद बम्भिया गैंग के दो गैंगस्टरों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। यह दोनों गैंगस्टर पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे थे, लेकिन अब ये बम्भिया गैंग के लिए काम कर रहे थे और लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों पर हमला करने की फिराक में थे। इस घटना के बाद क्या अब लॉरेंस की गैंग के सदस्य चुप बैठने वाले हैं या फिर वह भी बदला लेने वाले हैं? अगर ऐसा हुआ तो पंजाब में एक बार फिर जुर्म की और गैंग वॉर बढ़ने के पूरे आसार हैं, क्योंकि नई गैंग ने लॉरेंस गैंग के सदस्य पर हमला कर यह साबित तो कर ही दिया है कि वह किसी से भी कम नहीं है। यह थी पंजाब में हाल ही में हुए गोलीकांड की पूरी जानकारी। ऐसी ही जुर्म और जुर्म से जुड़ी घटनाओं के बारे में जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम क्राइम सीन।